आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। फ्लाइट में कोरोना विस्फोट, फ्लाइट में 100 लोग संक्रमित मिले। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, इटली से अमृतसर आई थी ये फ्लाइट, जहां एयर इंडिया की फ्लाइट में सवार थे 182 लोग। सभी यात्रियों को अमृतसर में किया गया है क्वारंटाइन। एयर इंडिया की फ्लाइट में हुआ है कोरोना विस्फोट, फ्लाइट में 100 लोग संक्रमित मिले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, इटली से अमृतसर आई थी ये फ्लाइट जिसमें 100 लोगों को कोरोना पॉजिटिव बताए जा रहे हैं, जहां पर सभी यात्रियों को अमृतसर में किया गया है क्वारंटाइन। इस वक्त की बड़ी खबर, एयर इंडिया की फ्लाइट में कोरोना का विस्फोट हुआ है, जहां 100 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। एयर इंडिया की फ्लाइट में कोरोना का विस्फोट हुआ है, जहां फ्लाइट में 100 लोग संक्रमित मिले हैं, जहां इटली से अमृतसर आई थी ये फ्लाइट। एयर इंडिया की फ्लाइट में सवार थे 182 लोग। सभी यात्रियों को अमृतसर में किया गया है क्वारंटाइन। एयर इंडिया की फ्लाइट में कोरोना विस्फोट हुआ है, फ्लाइट में तकरीबन 100 लोग संक्रमित मिले हैं, जहां 182 लोग फ्लाइट में मौजूद थे। दिल्ली से अमृतसर आई थी ये फ्लाइट, जहां पर कोरोना विस्फोट देखने के लिए मिला है। एयर इंडिया की फ्लाइट में सवार थे 182 लोग, सभी क्वारंटाइन, सभी को किया गया है क्वारंटाइन। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विभांशु हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो विभांशु, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, आखिर कितने लोगों को संक्रमित होने की बात कही गई? जी, आपको बता दें कि इटली से अमृतसर की एयर इंडिया की फ्लाइट आई थी, जिसमें 182 लोग सवार थे, और खबर ये आ रही है कि 100 लोग संक्रमित मिले हैं। जो 100 लोग संक्रमित हैं, उन्हें अमृतसर में क्वारंटीन कर दिया गया है और सभी की जांच चल रही है, सबके स्वास्थ्य का ख्याल किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि आज लगभग 1 बजे के करीब ये फ्लाइट इटली से डायरेक्ट अमृतसर के लिए आई है। जी जी विभांशु, जिस तरीके से बोला जा रहा है, केवल क्या संक्रमितों को क्वारंटाइन किया गया है, बाकी जो 82 लोग हैं उनकी भी क्या जांच अभी तक चल रही है? जी सर, जांच उसमें जो 182 लोग थे, उसमें से 170 लोगों की जांच की गई है। बाकी आपको बता दें कि इससे हो सकता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ान है, इस पे बैन लगाया जा सकता है, क्योंकि जो यूरोपियन कंट्री है, वहां पे अच्छा खासा मतलब तो कोरोना का जो फैलाव है वो काफी अच्छे स्तर पे पहुंच चुका है, और वहां लाखों की संख्या में कोरोना के पेशेंट हो गए हैं। तो जो उड्डयन मंत्री है अनुराग ठाकुर, उनकी तरफ से ये लगाया जा सकता है कि जो बाहर से फ्लाइटें आ रही है उनको रोका जा सकता है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया विभांशु हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। इटली से अमृतसर आई थी ये फ्लाइट, जहां पे 182 लोग इस फ्लाइट में मौजूद थे, जिनमें 100 लोगों के संक्रमित होने की बात सामने आई है, जहां सभी संक्रमितों को क्वारंटाइन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है पीएम की सुरक्षा में चूक का मामला, पीएम ने राष्ट्रपति को मामले की जानकारी दी। इस वक्त की बड़ी खबर, चेन्नई सरकार ने जांच के लिए बनाई है एक कमेटी, जिसके चलते जांच की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है पीएम के सुरक्षा चूक में मामला, पीएम ने राष्ट्रपति को मामले की जानकारी दी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। यूपी में आपने रैली और सभाएं स्थगित की, कोरोना के मद्देनजर आपने बड़ा फैसला लिया, जहां 8 जनवरी को वाराणसी में वर्चुअली रैली होगी, केजरीवाल गारंटी जनसभा वर्चुअल रूप से की जाएगी। संजय सिंह वाराणसी में वर्चुअली करेंगे सभी को संबोधित, वाराणसी गाजियाबाद जेवर की जनसभा स्थगित की गई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ के 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन, हाथों में तिरंगा लेकर एनसीईआरटी पर जमा हुए हैं अभ्यर्थी। प्रदर्शन के दौरान अभ्यर्थियों और पुलिस में हुई है झड़प, करनी सेना और स्वर्ण महासभा ने अभ्यर्थियों को दिया है समर्थन। लखनऊ में 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन जारी है, जहां हाथों में तिरंगा लेकर एससीईआरटी पर जमा हुए हैं अभ्यर्थी। प्रदर्शन के दौरान अभ्यर्थियों और पुलिस में हुई है झड़प, करनी सेना और स्वर्ण महासभा ने
अभ्यर्थियों को दिया है समर्थन। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां लखनऊ में 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी जमा हुए हैं, हाथों में तिरंगा लेकर सीईआरटी पर जमा हुए हैं सभी अभ्यर्थी, जहां धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। प्रदर्शन के दौरान अभ्यर्थी और पुलिस में झड़प भी हुई है। जखंडी सेना और स्वर्ण महासभा ने अभ्यर्थियों को दिया है समर्थन। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विभांशु हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो विभांशु, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, किस तरीके से आज ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा था? जी श्वेता, आपको बता दें कि विगत 6 महीनों से ये जो 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला है, वो अपने प्रदर्शन को अलग अलग रूप से पूरे लखनऊ में कर रहे हैं। कभी वो सीएम आवास को घेरते हैं, तो कभी शिक्षा मंत्री के आवास को घेरते हैं, अब अपनी मांगों को लेकर अभी भी अड़े हुए हैं। उसी को लेकर आज एसटीईआरटी पे आज जमा हुए, और वहां उनके साथ कार्नी सेना और स्वर्ण महासभा के लोग भी उनका समर्थन किए। और वही सूचना ये भी मिल रही है कि इसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने उन्हें 5 लोगों का प्रतिनिधि मंडल अपनी मुलाकात के लिए, उनकी समस्याओं के निदान के लिए 5 लोगों को बुलाया है। देखना ये होता है कि मुख्यमंत्री की तरफ से क्या फैसले लिए जाते हैं इन सब मामलों को लेके। तो उन्होंने जो अपना ज्ञापन तैयार किया है, उन मुद्दे में क्या मुख्य अहम मुद्दे उन्होंने सामने रखे हैं? जी आपको बता दें कि 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला 2017 में आया, लेकिन उसके बाद नियुक्तियां की गई, उसमें आरक्षण घोटाला और त्रुटि संशोधन को लेकर छात्र जो इसमें जो नियुक्ति की गई है, इसमें घोटाले की मांग को लेकर मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये प्रदर्शन अभी भी विभांशु जारी है, कब तक जारी रहेगा ये प्रदर्शन यहाँ पर? जी आपको बता दें कि जुलाई के महीने से ये अभ्यर्थी लखनऊ में बैठे हैं, और जब तक इनकी मांग नहीं मान ली जाती है, तब तक उनके तरफ से एक जो डेलीगेट है जिनका नाम राजेश है, उनका कहना है कि जब तक हमारी मांगों को नहीं मान लिया जाता है, तब तक हम प्रदर्शन करते रहेंगे। वही एक जो अभ्यर्थी है जिसका नाम स्नेहा बताया जा रहा है, वो तो विगत 6 महीनों से पानी की टंकी पे चढ़ी हुई है और सरकार को जगाना चाहती है और बताना चाहती है कि हमारी मांगों को माना जाए और हमारी नियुक्ति की जाए। सरकार की तरफ से 69,000 शिक्षक मामले में अब तक बताया जा रहा है कि 8,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया था, और जिसमें साफ तौर पे उन अभ्यर्थियों का कहना है कि जितनी हमारी टोटल संख्या है उतनी सभी को लिया जाए, आखिर हमें नियुक्ति पत्र क्यों नहीं दिया जा रहा है जब हम वो सभी परीक्षाओं को पास कर चुके हैं और इंटरव्यू हो चुके हैं, तो हमें क्यों नहीं नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है? विभांशु, जिस तरीके से अभ्यर्थी और पुलिस में झड़प भी हुई है, तो किस बात के चलते ये झड़प हुई थी? जी आपको बताना चाहेंगे कि जब ये लोग प्रदर्शन करते हैं तो कभी मुख्यमंत्री आवास, तो कभी शिक्षा मंत्रालय, तो कभी ये लोग, अभी जब बिपिन रावत का हादसे में उनका दुर्घटना में वो शहीद हुए थे, उस दौरान उनकी तस्वीर लेकर भी प्रदर्शन किए थे, और इन्हीं सब मांगों को लेकर वो अनेक अनेक तरह से प्रदर्शन करते रहते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया विभांशु हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। अयोध्या में दिखा है रफ्तार का कहर, अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर, डंपर ने स्कूटी को मारी है टक्कर, जहां मौके पर स्कूटी सवार अधिवक्ता की हुई है मौत। पूरा कलंदर लंगड़ा चौकी प्रयागराज हाईवे का है ये पूरा मामला। अयोध्या में दिखा है रफ्तार का कहर, अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां डंपर ने स्कूटी को मारी है टक्कर, जहां मौके पर ही स्कूटी सवार अधिवक्ता की हुई है मौत। पूरा कलंदर लंगड़ा चौकी प्रयागराज हाईवे का है ये पूरा मामला। इस वक्त की बड़ी खबर अयोध्या से हम आपको बता रहे हैं, जहां रफ्तार का कहर लगातार जारी है, डंपर ने स्कूटी को मारी है टक्कर, जहां मौके पर ही स्कूटी सवार अधिवक्ता की हुई है मौत। जहां पूरा कलंदर लंगड़ा चौकी के प्रयागराज हाईवे का ये पूरा मामला आपको बताया जा रहा है। अयोध्या के महंत जगद्गुरु परमहंस दास आचार्य की फोटो हुई है वायरल, जहां हाथ पे बंदूक और कंधे पर गोली लगी बेल्ट की फोटो वायरल हुई है, जहां खुद परमहंस आचार्य ने फोटो वायरल की है। इस फोटो से लोगों में दिखी है काफी नाराजगी। तपस्वी छावनी के महंत है जगद्गुरु परमहंस दास आचार्य, जहां उन्होंने आज एक फोटो वायरल की है, जिस फोटो के चलते आज
सोशल मीडिया पर हड़कंप मचा हुआ है। हाथ में बंदूक और कंधे पर गोली लगी बेल्ट की फोटो वायरल की है, जो उन्होंने खुद परमहंस आचार्य ने ये फोटो वायरल की है। इस फोटो से लोगों में दिखी है काफी नाराजगी। तपस्वी छावनी के महंत है जगतगुरु परमहंस दास आचार्य। अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर, अयोध्या के महंत जगतगुरु परमहंस दास आचार्य की फोटो वायरल हुई है, जो हाथ में बंदूक और कंधे पर गोली लगी बेल्ट की फोटो वायरल की है, जो उन्होंने खुद परमहंस आचार्य ने फोटो वायरल की है। इस फोटो से लोगों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। तपस्वी छावनी के महंत जगतगुरु परमहंस दास आचार्य है। अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर। अयोध्या से इस वक्त की अगली बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां केंद्रीय मंत्री के कार्यक्रम में हुआ है बदलाव, जहां पहले जनसंवाद करेंगे नितिन गडकरी, संबोधन के बाद राम मंदिर का दर्शन करेंगे गडकरी। अयोध्या से बस्ती के लिए रवाना होंगे नितिन गडकरी। अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां केंद्रीय मंत्री के कार्यक्रम में हुआ है बदलाव, पहले जनसंवाद करेंगे नितिन गडकरी, उसके बाद संबोधन के बाद राम मंदिर का दर्शन करेंगे नितिन गडकरी। अयोध्या से बस्ती के लिए रवाना होंगे नितिन गडकरी। अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे, जहां केंद्रीय मंत्री के कार्यक्रम में कई बदलाव देखने के लिए मिले हैं, जहां पर पहले जनसंवाद करेंगे नितिन गडकरी, उसके बाद संबोधन के बाद राम मंदिर का दर्शन करेंगे गडकरी। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी पहुंचे हैं जनेश्वर ट्रस्ट, जहां अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे हैं जयंत चौधरी। कुछ देर में अखिलेश यादव के साथ होगी इनकी बैठक। अखिलेश और जयंत के बीच मुलाकात होने जा रही है, जहां आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी पहुंचे हैं जनेश्वर ट्रस्ट, अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे हैं जयंत चौधरी। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, कुछ देर में अखिलेश यादव के साथ होगी इनकी बैठक, जहां अखिलेश और जयंत के बीच मुलाकात होगी। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी पहुंचे हैं जनेश्वर ट्रस्ट, जहां अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे हैं जयंत चौधरी। जब कुछ समय में अखिलेश यादव के साथ बैठक होगी और अखिलेश और जयंत के बीच मुलाकात होगी। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी पहुंचे हैं जनेश्वर ट्रस्ट, कुछ देर में अखिलेश यादव के साथ बैठक होने जा रही है, जो अखिलेश और जयंत के बीच मुलाकात होगी। आखिर क्या मुद्दा हो सकता है आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी प्रवेश। कुछ देर में अखिलेश यादव के साथ होगी बैठक, जहां अखिलेश और जयंत के बीच मुलाकात होने जा रही है। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी पहुंचे हैं जनेश्वर ट्रस्ट, अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे हैं जयंत चौधरी, जहां कुछ देर में अखिलेश यादव के साथ होगी बैठक, अखिलेश और जयंत के बीच मुलाकात होगी। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी पहुंचे हैं जनेश्वर ट्रस्ट, लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नितिन फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो नितिन, जो ये मीटिंग होने वाली है, उसका क्या मुख्य एजेंडा हो सकता है? देखिए, उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है श्वेता, और पश्चिम में आरएलडी बहुत मजबूत है, और इसको देखते हुए आज समाजवादी पार्टी और आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी की एक मीटिंग चल रही है। इसके पहले भी इन दोनों की एक मीटिंग हुई थी, जिसके बाद गठबंधन को लेकर ऐलान हो गया था कि ये दोनों पार्टियां आने वाले चुनाव में एक साथ उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगी, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर बात नहीं बनी थी। और आज उसी को लेकर के ये चर्चा और विचार विमर्श चल रहा है सपा कार्यालय पर, जो लोहिया ट्रस्ट का ऑफिस है समाजवादी पार्टी कार्यालय के पास, वहां पर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की ये जो बैठक है वो चल रही है दोनों के बीच। और बताया जा रहा है कि 30 प्लस सीटों का जो दावा है और जो मांग है वो जयंत चौधरी की तरफ से करी जा रही है। अब देखना ये होगा कि कितनी सीटों पर सहमति बनती है, कितने पर अखिलेश यादव मानते हैं। तो कौन सी विधानसभा से इनको सीटें मिल सकती हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश के पश्चिम में जहां पर आरएलडी अपना गढ़ बताती है, उन गढ़ वाली सीटों को जयंत चौधरी मांगेंगे, जिसमें हाथरस, कैराना, ये सारी जो प्रमुख सीटें हैं, यहां पर कहीं ना कहीं आरएलडी बेहतर काम कर सकती है, ऐसा जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव को भरोसा जताया था। और उसके बाद ये दोनों पार्टियां गठबंधन में आई थी,
तो उत्तर प्रदेश के पश्चिम से जुड़ी हुई जितनी भी प्रमुख सीटें हैं उन सीटों को लेकर के आमंत्रण किया गया है, और उसके बाद सीटों का जो एक पूरा ब्यौरा है वो ब्यौरा लेकर के जयंत चौधरी आए हुए हैं कि हमें ये सीटें चाहिए। अब ये बात चर्चा के बाद ही फाइनल होगी कि कौन कौन सी सीटें जो है वो जयंत चौधरी को अखिलेश यादव देते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया नितिन हमारे साथ इस खबर में जुड़ने के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा है, कल जा राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। विश्वविद्यालय में लैपटॉप और टैबलेट का करेंगे वितरण, कोविड प्रबंधन को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। कल दोपहर 12 बजे पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा है कल, इस वक्त की बड़ी खबर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां विश्वविद्यालय में लैपटॉप और टैबलेट का करेंगे कोविड प्रबंधन को लेकर भी बैठक की जाएगी। कल दोपहर 12 बजे पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा है कल। पीएसपी सुप्रीमो मायावती ने किया है ट्वीट, जहां पीएम की सुरक्षा में चूक को लेकर किया है ये ट्वीट। पीएम सुरक्षा में चूक हुई है वो अति चिंतनीय है, मायावती ने कहा। घटना की उच्च स्तरीय जांच की जानी चाहिए, फिर ऐसा घटना की पुनरावृत्ति न हो। इस मामले में राजनीति करना उचित नहीं, मायावती ने किया है ट्वीट। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का ट्वीट सामने आया है, जहां पीएम की सुरक्षा में चूक को लेकर उन्होंने ट्वीट किया है। जहां पीएम सुरक्षा की चूक हुई है वो अति चिंतनीय है और घटना की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच जरूरी है, फिर ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो। इस मामले में राजनीति करना उचित नहीं है। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।